पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए लोगों को सीएए के अंतर्गत नागरिकता दिए जाने की कवायद शुरू हो गई है। इन जिलों में रामपुर भी है। वहीं रामपुर में रह रहे शरणार्थियों ने अब आरक्षण की मांग उठाई है। रिपोर्ट देखिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद भले ही देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर अभी थमा नहीं है कि यूपी सरकार ने सीएए को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के 19 जिलों को चिन्हित कर उनमें पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए लोगों को सीएए के अंतर्गत नागरिकता दिए जाने की कवायद शुरू हो गई। इन जिलों में रामपुर भी है, जहां मानपुर ओझा गांव में बंगाली समाज के ही लोगों की आबादी है। देश के बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हुए बंगाली लोगों को यहां बसाया गया, जिसमें अधिकतर नमोशूद्र हिंदू जाति के हैं। कुल 167 परिवार बांग्लादेश से आकर बस गए थे, जिनकी आबादी अब 8000 के लगभग हो गई है, जिनके पास आधार भी है और वोटर कार्ड भी है। यह लोग अपने वोट से एमपी एमएलए तो चुनते ही हैं, अपने गांव का प्रधान भी या अपने वोट से ही तय करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम आने के बाद अब अधिकारी उनसे जानकारी पहुँच जुटाने में जुटे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम आने के बाद जब अधिकारी उनसे जानकारी जुटाने पहुंचे, तो वह अपनी मांग कर रहे हैं कि 60 साल पहले उन्हें पट्टे पर दी गई जमीनों का मालिकाना हक दिया जाए और सरकार उन्हें आरक्षण देना सुनिश्चित करे। सीए के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहद तेजी दिखाते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की सूची गृह मंत्रालय को भेजी है, उसमें रामपुर भी है। देखिए, जो भी हमारे जनपद में कोई भी अगर बाहर से आता है तो उसका लेखा जोखा तहसील के द्वारा रखा जाता है। 57 से लेकर 71 के बीच में जो परिवार यहाँ पे आए थे, उनका लेखा जोखा यहाँ पे था। वो हमने फॉर्मल अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उसका फॉर्मल सर्वे नहीं हुआ है, पर हमने जो रॉ डेटा था, रॉ डेटा भेज दिया है। और उसमें ये अब कहना मुश्किल है कि उसमें से कितनों को कौन नागरिकता की श्रेणी में आते हैं, कौन नहीं आते हैं, ये तय करना वो शासन का काम है और उस पे उनके गुणदोष के हिसाब से उन पे निर्णय होगा। रामपुर जिले की तहसील बिलासपुर के मानपुर ओझा गांव में मानो के छोटा सा पंगाल बसता है। यहाँ दुर्गा देवी का मंदिर है, काली माता की पूजा की जाती है। यहाँ रहने वाले लगभग 8000 लोग उन 167 परिवारों में से हैं, जो देश के बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश छोड़कर यहाँ आकर बसे थे। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको यहाँ लाकर बसाया गया। ऐसे ही एक बुजुर्ग द्विजवर बैरागी हैं, जो अपने बेटे के साथ जर्नल मर्चेंट की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हम 1960 में यहाँ पूर्व पाकिस्तान से आए हुए थे माइग्रेशन करके जी। तो हमारे साथ जो है 5 सदस्यों से, हमारे माता जी हेड ऑफ द परिवार थे, हम लोग नाबालिग थे उसमें। और यहाँ पर जो है हम जब सरकार ने 5 एकड़ जमीन दिया, वही खेती बाड़ी हम करते थे। उसके बाद हमें जो है पहचान पत्र कार्ड भी हमें बना है। अपने पिता संग जर्नल मर्चेंट की दुकान चला रहे सुशांत बैरागी का जन्म यहीं पर हुआ, यहीं पढ़े लिखे, वह 35 वर्ष के हैं। पढ़ाई सर यहीं पे किया था, अपना ये गांव में जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यहीं पे किया था मैंने। इंटर पास करने के बाद मैंने किया नहीं आगे। आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं? वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट, क्या क्या चीज़ें हैं? सर टोटल सभी है, मतलब। अच्छा, पासपोर्ट का खाली पासपोर्ट नहीं है, बाकी सब। एक वरिष्ठ नागरिक उज्जवल कुमार मंडल बताते हैं कि उनका जन्म विभाजन से पूर्व हुआ था, जो पूर्वी पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश। प्रॉब्लम ये है कि बंगला भाषा और हिंदी भाषा और प्रांतीय भाषाओं में थोड़ा फर्क होता है, और ये जाति में भी फर्क होता है, जाति के नाम में। जैसे हम लोग यहाँ जैसे कोई नाई है तो इसको यह नाई बोलते हैं, तो हमारे यहाँ नाई नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको परामानिक बोलते हैं, शील बोलते हैं। तो यहाँ का बच्चा अगर वो अपनी जाति के आगे शील लिखाता है तो वो यहाँ शेड्यूल नहीं माना जाता है, क्यों नाई नहीं लिखा हुआ। बहरहाल रामपुर में रह रहे शरणार्थियों ने अब आरक्षण की मांग को उठाया है। अब देखने वाली बात होगी आखिर इनकी मांगों का क्या कुछ निस्तारण निकलता है। रामपुर से की न्यूज के लिए तमकीन खान की रिपोर्ट। तो इसी के